अर्चना जी, बॉलीवुड ने हीरो हीरोइन की बहुत सारी जोड़ियां देखी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स की बहुत सारी जोड़ियां देखी हैं, हीरो और कॉमेडियंस की बहुत सारी जोड़ियां देखी हैं, लेकिन आज यहां पर आ रही है एक डायरेक्टर और एक हीरोइन की ऐसी जोड़ी जिन्होंने जितनी भी फिल्में साथ में की हैं सबकी सब सुपरहिट रही हैं। सो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्टाइलिश एंड वेरी चीयरफुल हम सबकी फेवरेट सुपरस्टार काजोल और साथ में मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर, एंकर, डिजाइनर, शो होस्ट एंड जज एंड सो मेनी थिंग्स, मिस्टर करण जौहर। अर्चना मैम, आपको कैसा लग रहा है? आपने साथ में फिल्म की है, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म मिसेस बर्गेंजा, हाउ यू फीलिंग नाउ? आहा, द स्वीटेस्ट बेस्टेस्ट मेमोरीज जो मेरे करियर की हैं वो है काजोल आपके साथ एंड करण आपके साथ। कितना अच्छा हमने समय बिताया था जब हमने शूट किया था। ऑफ कोर्स काजोल को भी मालूम नहीं था, आई थिंक अनकरण को भी मालूम नहीं था कि वेयर दे विल गो फ्रॉम दैट फिल्म एंड जहां आप हैं ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज, बट इट हैज बीन द ग्रेटेस्ट जर्नी। कुछ कुछ होता है द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी। और एक्चुअली हमने फिल्म के 20 साल अभी हाल ही में सेलिब्रेट किए थे, तो मैंने जब अर्चना को फोन किया था तो आई रिमेम्बर कि वो इस फिल्म की इतनी बड़ी हिस्सा बन चुकी थी क्योंकि वो जो मिसेस ब्रगेंजा जो है और वही जो किरदार मैंने फिर से वापस कभी खुशी कभी गम में फिर से डाल दिया एज पू। तो एक्चुअली लेकिन पू का इंस्पिरेशन मिसेस ब्रगेंजा ही थी हमेशा, और जिस तरह उन्होंने निभाया था शी वाज बैंग ऑन। अर्चना जी बिल्कुल ऐसी हैं, कोई भी किरदार करें उसमें खा जाती हैं ये। हाल ही में तो ये सिद्धू जी को खा गई। Okay, let's change the topic. Kajol ma'am, you're looking fabulous. Thank you. Thank you so much. You're also looking very fabulous. Oh, thanks ma'am. मैं झूठ नहीं बोल सकता, so I won't say you're looking fabulous. Designer, you are fired. हमारा ये best है करण सर, ये इससे ऊपर हमारा खत्म है। हम इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। पर आप दोनों बड़े कमाल लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। करण सर, इतना आप इतने लोगों की स्टाइलिंग करते हो, कभी थोड़े बहुत टिप्स दे दो सर ऐसे ही, तो लिख के पेपर में भेज दिया करो, हम आगे से वैसे कुछ बनवा लेंगे सर। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इससे ज्यादा कोई बढ़ावा हो भी नहीं सकता। अभी कपिल देखो, तुम बहुत सक्सेसफुल हो, सुपरहिट शो के होस्ट हो और नेशनल सेलिब्रिटी हो, लुक्स का क्या है, वो तो आता जाता रहता है, तुम बस अपना सक्सेस के साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट है, बेइज्जती हो रही, क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। कांग्रेचुलेशंस टू कपिल, व्हाट अ ब्लॉकबस्टर शो। थैंक यू, थैंक यू। मैं बुक पढ़ रहा था सर आपकी, पहले तो इसी बात पे ताली बंद कि मैं इंग्लिश में बुक पढ़ रहा था, पर मैंने सर 113 वर्ड्स हैं जो लिख के रखे, मुझे समझ में नहीं आया उनका मतलब क्या है। तुम्हारी अंग्रेजी और तुम्हारा फैशन बस छोड़ ही देते हैं हम, इसलिए मैंने ना एनीवेज काफी मैंने कोशिश करता रहता हूँ। काजल मैम, आपने देखा आज कितने सारे बच्चे आए, आज नायसा का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए सब। आपको पता आज काजल मैम की बेटी का आज बर्थडे है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैंने हाल ही में फोटोग्राफ्स देखी थी तो मुझे अभी तो बिल्कुल छोटी सी थी, पर अभी काजल मैम ने बताया वो उसका 16th बर्थडे आज। यस, वाओ, बहुत बहुत मुबारक मैम आपको। छोटे 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 बच्चे लेके आए, हमने उसी हिसाब से बुलाया था, हमने कहा छोटी होगी अभी नायसा, 16 साल की होगी। मैम, जब आप इंडस्ट्री में आई थी आप भी, आई यू वर 16 राइट? आई वाज 16, आई वाज। देख लो वक्त कैसे उड़ता है। क्या कहना चाहेंगे अर्चना मैम आप, 40 साल पहले आप इंडस्ट्री में आई थी, आज आई मीन 38 करेक्ट 38 years ago. But you know, but do you know something? Really? What an achievement it is to spend 38 years working in the film industry. बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप बोल रहे हो कि in for 38 years आप काम कर रहे हो इस फिल्म इंडस्ट्री में, जिस जहाँ पे हम कहते हैं जिसका उतार चढ़ाव इतना होता है और जहाँ पे लोग ज्यादातर एक या दो साल में टिकते भी नहीं है। तो आई थिंक इट्स hats off. Thank you, darling. अच्छा करण सर, मतलब आप सब जानते सीरियस हो गए हो ना, मैं आई एम नॉट टॉकिंग। तुम तो बिहेव कर रहे हो कि टॉक शो होस्ट बना दिया तुमने अपने आप को। हैव अ लुक एट द फ्रूट्स। आई मीन आई एम लुकिंग एट सलमान खान इज द प्रोड्यूसर, ये मुझे लगता है। मुझे लगता है कि 4-6 एपिसोड से यही फल पड़े हैं। नहीं सर, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, बीच में ड्रैगन फ्रूट कहाँ है? हमने बोला भी था अमीर डायरेक्टर आ रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट रखना है। एनीवेज, अनार इज आल्सो वेरी कॉस्टली सर, वी हैव ब्लैक ग्रेप्स। आप रख लो, आप रख लो वापस, ठीक है। हाँ, तो ब्लैक ग्रेप तो तुम खुद लग रहे हो, तो ठीक है।
Designer, you are second time fired. अच्छा मैं कभी-कभी ऐसा सोचता हूँ कि 15-20 काम पकड़े हुए हैं आपने मतलब इतनी पुरानी दोस्ती भी है कि अबे सच में मैं कभी-कभी सोचता हूँ अगर हमारा शो ना होता आप मिलते कैसे जब से मैं काजल को जानता हूँ उसकी जिंदगी में 5 या 6 मैक्सिमम मैं कहूँगा 7 दोस्त होंगे बचपन के दोस्त हैं कुछ इंडस्ट्री के बने हुए कुछ फैमिली रिश्ते हैं लेकिन निभाना अगर किसी से सीखे तो वो काजल से सीखे मैं काजल को कुछ 30 सालों से जानता हूँ एक साल भी नहीं है जो उसने मेरा जन्मदिन याद रखा है लेकिन वो हमेशा एक दिन पहले फोन करती है या एक दिन बाद वो 25 में मेरा जन्मदिन है लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि काजल ने मुझे 25 में पे फोन किया हो वो फोन पे बात नहीं करती किला चिल्लाती वेयर आर यू व्हाई डिड यू कॉल मी और आई एम लाइक अच्छा सॉरी हम मिलते हैं मिलना तो काजल का यही है प्यार उसके और एक झप्पी जो देती है ना काजल तो If you have a bad back, she can break your back. अगर तुम्हारे ribs खराब है तो वो तोड़ देगी। लेकिन जो काजल का प्यार, काजल की मोहब्बत, काजल के रिश्ते, काजल ही समझ सकती है और काजल ही निभाती है। I mean, she's amazing with her relationships. She's the best mother you can have, best wife you can think of, daughter-in-law. उन डिपार्टमेंट्स में तो मैं सब बोलते हैं कि काजल हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री है। I would say she's an even better person, and that is an important thing to know. पर हमने सुना है काजल मैम को ज्यादा 100 में से 99 लोग तो पसंद ही नहीं आते हाँ इसीलिए तो कम दोस्त इसलिए तो मैंने कहा ना 7 लोग हैं कहते कि जब अजय सर से पहली बार मुलाकात हुई इनको अजय सर भी पसंद नहीं आए थे बिल्कुल मैं जानता हूँ ना मुझसे पूछो मैं बोलूं नहीं तो मैम जब आप करण सर को पहली बार मिली थी आपको पहली बार उन्हें पसंद आए थे नहीं हंसी थी पागलों की तरह ये हंसी क्यों थी मैम अब बोलो एक्चुअली मैं एक फिल्मी पार्टी पे गई थी और मैं वहाँ पे पहुंची और मैं इट वाज इन अ डिस्कोथेक सो इट वाज इन अ डिस्कोथेक एंड वी वर एट इट वाज लाइक अ बार एंड ऑल दैट एंड कट टू मिस्टर जौहर आए और एक 3-पीस सूट में मतलब अंदर का टाई वाई पहन के पूरा स्टैंडिंग लाइक दिस एट द बार आई वाज लाइक आई हैव स्टार्टेड लाफिंग मैं इतना हंसी हूं उनको देख के अच्छा मतलब 21 साल का लड़का मैं 21 नहीं था सारे डिटेल्स रॉन्ग है मैं 17 साल का था तुम 15 साल की थी आई वाज 17 इयर्स ओल्ड अरे आई एम टेलिंग यू आई एम 17 बाबा 21 आई वाज असिस्टिंग नियरली ऑन दिलवाले 17 इयर्स ओल्ड का मैं था और मुझे मैंने 3-पीस सूट पहन लिया था टाई के साथ मुझे सोचा मैंने सोचा था कि फिल्मी पार्टी है तो सच सच के जाना तो बनता है तो मैं वहां गया था और काजल तो तनु आंटी जो इनकी मदर है तो हम फैमिली फ्रेंड्स हैं पापा और मम्मी तनु आंटी को सालों से जानते हैं तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अरे ये करण है यश और हीरो का बेटा और ये काजल है तो वो उसने मुझे देखी ऊपर नीचे और वो हंसने लगी उसने फ्रेंड के साथ थी तो मैंने देख लिया कोने से कि ये हंस रही है मेरे ऊपर मैं चलो ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ तो फिर तनु आंटी ने कहा व्हाई डोंट यू ऑल गो एंड डांस तो हम डांस फॉर गए थे अरे मैं अपना डांस करने लगा बड़ा कूल स्टाइल और ये बस हंसी रही थी रोकने का नाम नहीं लिया उसने 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा कौन हंसता है किसी और के ऊपर मैं इतना ह्यूमिलिएट हुआ उस पार्टी को छोड़ के मैं चला गया वहां से क्योंकि मुझे सही मैं इससे ज्यादा मैं इंसल्टेड मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया जो उसने मुझे तब से फिर उसके बाद हम एक और पार्टी में मिले थे जो हैना फिल्म की प्रीमियर थी और तब काजल को शी वॉज हैड अ बिग क्रश ऑन अक्षय कुमार आई रिमेम्बर अभी बोल सकते हैं ठीक है अभी हो गए तो पूरे प्रीमियर में वो अक्षय कुमार को ढूंढ रही थी और मैं उसका सहारा बन गया था सीक्रेटली मैं भी शायद अक्षय कुमार ही को ढूंढ रहा था तो आई वाज लाइक हम दोनों चल पड़े अक्षय कुमार तो नहीं मिला लेकिन हम एक दूसरे को हम मिल गए वी बिकम कोई मिल गया फ्रेंडशिप हो गया वहाँ तो उसी से हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई फिर हम दोनों साउथ बॉम्बे में रहते थे पूरी इंडस्ट्री नॉर्मली बैंड्रा वर्सोवा जहाँ आप रहते हो तो नहीं हम और पीछे अंधेरी अच्छा ओके सॉरी नोबडी इज परफेक्ट तो ठीक है तो हम साउथ बॉम्बे के रहने वाले थे तो जियोग्राफिकली भी एक टच आसान था तो फिर काजल आने लगी मेरे घर मैं उसके घर आने लगा और फिर वहां से हमारी करीबी जो दोस्ती है वहां से शुरू हुई साउथ बॉम्बे वैसे एक्चुअली मैंने अच्छा हम नए नए आए थे तो हमें नहीं पता था कि हम तो सारा बॉम्बे लगता था
कहीं पे भी चले जाते थे। नहीं, बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो अभी सीलिंग की वजह से तो डिवाइड होता है, वरना एक साउथ बॉम्बे के अपने लोग थे और फिर बैंड्रा, तो मैं जहाँ पला बड़ा था तो लोग वहाँ हिंदी पिक्चरें देखते नहीं थे, वो देखते थे कि यू नो कि हु आर यू इफ यू फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं सबको झूठ बोलता था कि मेरे फादर बिजनेसमैन है। तो एक दिन वर्ली नाका पे मेरे फादर की फिल्म का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था, फिल्म का नाम था मुकद्दर का फैसला, जो मीनिंग इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। तो उसका पोस्टर, वहाँ यश जौहर पता नहीं इतनी प्राउडली उतना नाम इतना बड़ा क्यों लिख दिया था उन्होंने उस फिल्म के ऊपर, और प्रकाश मेहरा जो फिल्म के निर्देशक थे उनका नाम छोटा था, मेरे बाप का नाम काफी बड़ा था। तो स्कूल में मैं कोई आई थिंक मैं कोई 8th या 9th स्टैंडर्ड में था तब, तो वो सलग पूछने लगे कि ये तुम्हारे फादर है यश जौहर जो पोस्टर हम देख रहे हैं? नॉट एट ऑल, वो तो कोई और है, मेरे फादर तो बिजनेसमैन है। उसके बाद स्लोली 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 जब मैं कॉलेज चला गया तो मेरे पापा ने एक पिक्चर बनाई थी अग्निपथ, वो अग्निपथ चली नहीं थी लेकिन एक कल्ट लव था स्पेशली लड़कों के बीच में, अर्चना थी उस फिल्म में, और वो फिल्म में एक बड़ा कूल फैक्टर था, सारे जो यंगस्टर्स थे बहुत अच्छा लगा था उन्हें कि एक अमित जी एक नए रोल में, अंडरवर्ल्ड की कहानी थी, कूल स्टाइल शूटिंग हुई थी। तो तब सारे लड़के आने लगे, मुझे बोले कि अग्निपथ क्या तुम्हारे पापा ने बनाई थी? व्हाट अ फिल्म! आई एम लाइक यस यस। अर्चना ने अग्निपथ में बड़ा सेक्सी नंबर भी किया था, अली बाबा मिल गए 40 चोरों से, और ये अर्चना शायद जानती नहीं थी कि वो एक गाना जो था वो झुम्मा चुम्मा था वो सिचुएशन में, लेकिन अमित जी ने जब वो गाना सुना तो उनको लगा वो हम में बेटर जाता है, तो हमारे फिल्म से वो निकल गया गाना। और ये दो दिन तक वेट करते रहे हम गोवा में आपके फादर के एक्सपेंस पर, 5-star होटल में वो दोबारा गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर हमने शूट किया अली बाबा। और अर्चना जी क्या लगी थी स्विम सूट में अग्निपथ में। नहीं, पर उसके बाद जब आपने दोबारा अग्निपथ बनाई, सर इसमें कहां तक सच है कि जो संजय दत्त साहब ने रोल किया कांचा चीना का वो पहले अर्चना जी को ऑफर हुआ था? आई मीन नहीं, अफवाहें आती रहती मार्केट में तो ऑफर हुआ होता मैं कर लेती। आई मीन मैं झूठ नहीं बोलता, थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी लेकिन लेकिन उसके बाद संजू का के पॉइंट्स थोड़े ज्यादा निकले उस सर्वे में, तो हम इसलिए हमने वो रोल फिर संजू को ऑफर किया। करण, आई लव यू। एक से मन भर गया। हाँ जी। हाँ जी, अच्छा आइए ना बैठिए। आप भी बैठेंगी? हाँ जी। उनका स्वागत करने है कि अपना स्वागत करवाने आई है? एक्चुअली ना पहले मैंने इनका ही स्वागत करना था, ये बड़े लोग हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं इनका स्वागत होता रहता है, फिर मैंने इनसे अपना करवा लिया। मैं बैठ जाऊँ? भैया बैठ जाओ आप। हुई 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 हुई। क्या फिगर है आपका? आपका भी। थैंक यू। मतलब कितनी फिट है, आपने करण भैया को अपनी फिटनेस के लिए थैंक यू किया? वो क्यों बोलेंगे थैंक यू? क्योंकि अपनी फिल्मों में कितना व्रत रखवा के इनको फिट किया है, है ना? बिल्कुल। अभी तुम भी व्रत रखा करो, हफ्ते में 15 दिन रखा करो। मैं? हाँ। व्रत रखूं? हाँ। व्रत होते हैं भैया करण जोहर की फिल्मों में, समझे? जहाँ हीरोइन के पास मनीष मल्होत्रा की साड़ी, डायमंड का नेकलेस, सास वो जया बच्चन जैसी, ससुर अमिताभ बच्चन जैसे, 100 करोड़ का बंगला, इधर देखो पति बच्चा यादव जैसा, घर के पीछे भैंसों का तबेला, इनकी फिल्मों में फूल गिरते हैं, हमारे उधर बैक टू बैक गोबर पे गोबर। भाभी अगर आप जाओ तो मैं थोड़ा बातें कर लूं, इंटरव्यू कर लूं। इंटरव्यू? हाँ। एक मिनट भैया जी, एक मिनट, सुपर हो भाई, ये बंदा इतना चलाक और झूठा है ना, इसने इतने इंटरव्यू लिए सेलिब्रिटी को पर एक भी बंदे को नौकरी नहीं दी, इंटरव्यू लेते रहता है। भाभी तुम्हें लगता है उनको नौकरी की जरूरत है? मुझे पता है, मैं उनको तब से जानती हूँ जब आप इतने से थे। क्यों भैया? पता कितनी जरूरत है उनको पैसे की, अपनी फैमिली चलाने के लिए 10-10 काम करते हैं बेचारे, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, कॉफी भी बेचते हैं। शादी भी ऑर्गेनाइज करते हैं, शादी भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ जी, और अब तो बेचारे लोगों के कपड़े भी डिजाइन करते हैं। 20 में तो कप्पू इतनी पैसे की जरूरत पड़ी, इन्होंने एक फिल्म भी की थी बॉम्बे वेलवेट, है ना भैया? और इतनी भारी पड़ गई वो फिल्म, बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसके बाद मार्केट में कभी वेलवेट भी नहीं आया।
भाभी तुम पता है वो इतने सारे काम पैशन के लिए करते हैं। पैशन नहीं पैशन के लिए करते हैं। पैशन लेकिन करण भैया मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों क्या कर आपके घर इतनी पार्टियाँ होती है मेरे को एक बार भी नहीं बुलाते। क्या मैं आपकी सेल्फी में फिट नहीं आती? तुमने कौन से अपने शादी पे मुझे बुलाया था? ओहो तालियां। भाभी उनका फ्रेंड सर्कल अलग है ना? क्यों उनका जो सर्कल है त्रिकोणा है या फिर चौरस है? कैसा भी फ्रेंड सर्कल हो होनी गोसी भी होती है ना काजल। लेकिन भैया आपके घर बहुत सारी पार्टियां होती रहती है ना, अब जब नेक्स्ट टाइम पार्टी हो तो आप अपने दोनों बच्चों को मेरे पास संभाल के नहीं रख देना। क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? नहीं मैं उनको संभालूंगी ना। अच्छा ये इसी का डर है जी। आप क्या करोगे उनके बच्चों के साथ? मैं चलती पार्टी में इनको एक फोन आएगा और मैं कहूंगी कि आपके बच्चे मेरे कब्जे में, मुझे 5 करोड़ चाहिए। आप मेरी माँ से मिली है? नहीं उनसे 5 रुपए नहीं मिलने वाले तुम्हें। उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं करण सर आपकी मम्मी नहीं सारियां मम्मी आती। आपकी मम्मी तो 5 रुपए दे, हमारी मम्मी 1 रुपया नहीं निकालती। अभी कोई गेस्ट आया उनको कॉम्प्लीमेंट दो। तुम क्या कॉम्प्लीमेंट देना होता है? अच्छा ठीक है कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। करण सर वाह आपने वरुण धवन को लॉन्च किया, आलिया को लॉन्च किया, सिद्धार्थ मल्होत्रा को लॉन्च किया। आप ब्रेकफास्ट डिनर करते कि तीनों टाइम लॉन्च ही करते हैं? मेरे बच्चे। करण सर जैसे आपने अपने बच्चों के लिए नैनी रखी है ना, वैसे हमने अपने बच्चों के लिए नाना रखा है। करण सर एक पर्सनल बात है, हम ये जो रिश्तेदारी और मजबूत कर ले उन दोनों की शादी करवा दे, सेम ही तो काम करते हैं। मेरी नैनी का आपके नाना के साथ? हाँ। आई थिंक उम्र का लिहाज थोड़ा करना जरूरी है ना। इनको शादी का बहुत शौक है, बारिश के दिनों में पर तो इनको शादी का शौक होना चाहिए, शौक नहीं। इनको सच्ची में भैया बहुत शौक है, बारिश के दिनों में तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि काटने लग जाते हैं। किसको काटते हैं? लड़की कोई भी देखते हैं बाजार में तो आए देखा शर्मा ही गए। ओए 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 आज मामू आए हैं, साथ में सुंदर लड़की लाए हैं। एक मिनट बेटा एक मिनट भैया, एक भांजा पकड़ना। आप भी मेरा एक बेबी पकड़ लीजिए। काजोल मैम ये सोते ही नहीं है, अगर आपने इनको सुला दिया ना ओए होए होए तो मजा ही आ जाएगा। ये भारती का की बच्ची है, हंसी रही है पागल। हाँ जी की तरह। बहुत ज्यादा। लेकिन ये देखो सोए नहीं, मैम आप भी दे दो मेरा बच्चा। अच्छा, ये बच्चे ना सिर्फ मेरे अंदाज से सोते हैं, ऐसे नहीं इनको। अच्छा, मैं अच्छा, आप दिखाओ। हाँ, कोई शोर नहीं मचाएगा ठीक है। ये ऐसे ही सोते हैं। करण सर काजोल मैम मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। जी बोलिए क्यों? आप मेरी शादी में नहीं आए। अच्छा आपने बुलाया नहीं ना हमको? बुलाया था, आप घर पे नहीं थी। लेकिन ना मैंने अभी अपनी शादी का ना वीडियो रिलीज ही नहीं किया हुआ। दूसरी शादी तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं ऐसे मेरे कहाँ भाग गया। लेकिन ना मैं चाहती हूँ कि आप ना थोड़ा सा दोनों डांस कर दो, वो वीडियो मैं सोनी वालों से लेके ना अपनी शादी की वीडियो में मैच कर लूंगी, ताकि लगेगा आप लोग आए हुए। और मुझे पता आप मेरे भाई हो, आप मना भी नहीं करोगे ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, थैंक यू पप्पू भैया। चलो बेटा चलो, बाय मैम बाय। चलो 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 निन्नी आ गई। अच्छा करण सर देख लो, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, एंकर हैं, डिजाइनर हैं, होस्ट हैं, रियलिटी शो के जज हैं, कॉफी भी बेचते हैं, कॉफी भी बेचते हैं। सर इतने सारे काम करते हैं, आपको कभी पीठ पे खुजली हो तो खुजाने का टाइम लगता है? मिल जाते हैं लोग पीठ पे खुजली करने के लिए। अरे ऐसी बड़ी अफवाहें होती हैं, जो भी हमारे स्टार्स होते हैं सेलिब्रिटीज होते हैं, जैसे काजल मैम आपके बारे में ऐसे हमने सुना है कि आपके पापा आपका नाम मर्सिडीज रखना चाहते थे। इज इट ट्रू? जी सच है। ही वांटेड टू कॉल यू मर्सिडीज? या ऐसे क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि अगर कोई इतना बड़ा आदमी है जिसने एक पूरी कंपनी अपनी बेटी पे शुरू की थी, उसकी बेटी का नाम मर्सिडीज था और वहां से उसने कंपनी बनाई थी, तो उसने बोला अगर वो आदमी अपने बेटी के नाम पे कंपनी शुरू कर सकता तो मैं तुम्हारा नाम मर्सिडीज क्यों नहीं रख सकता हूं? बड़े लोग बड़ी बातें, जैसे मैंने कहा कि बेटी का नाम सोचा मर्सिडीज। अच्छा भले मजाक किया हो, हमारे ऐसा होता नहीं है। बच्चा मंगल को पैदा हो तो मंगलू, संडे को पैदा हो तो सुंडू, कुछ भी रख देते हैं। बुद्धू तो नहीं हुआ ना अभी तक? बुधवार को होता तो बुद्धू भी हो जाता है, ऐसा होता है। करण सर आपका भी हमने सुना, पहले नाम राहुल था। हाँ।
Really? और फिल्मों में मेरे जन्म पत्री में नाम राहुल कुमार जोहर है, अभी भी है। अच्छा वाह। लेकिन छह दिन बाद पासपोर्ट में करण है, छह दिन बाद मम्मी को सपना आया कि अच्छा। मेरा नाम करण होना चाहिए, तो छह दिन बाद उठ के उन्होंने मेरा नाम बदल दिया और करण रख दिया। वाह। मेरी मम्मी को तो सपना भी नहीं आया, मेरा नाम वैसे ही रख दिया था। वर्ल्ड कप जीत के आया ना कपिल देव, तो मेरे पापा ने रख दिया। और आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, अच्छा, आप वाकई उस वजह से आपका नाम कपिल है? 83 में हाँ, जब वर्ल्ड कप जीता तब मेरा नाम रखा, दो साल मैं बिना नाम के घूमता रहा। मम्मी मेरा नाम क्यों नहीं रखा? मैं टोनी रखा था, अभी मैं टोनी बोलती हूँ। टोनी प्यार से? ओ ऐसी बात नहीं बोलते, चलो ठीक है ओके। पर काजोल मैम, आपका नाम मैंने सिर्फ आप ही का सुना, उसके पहले भी नहीं सुना, कभी बाद में भी सुना। बड़ा यूनिक नाम है आपका, काजोल। काजल है ना, बट काजल होता है, काजोल हाँ, मतलब बंगाली में काजोल, बंगाली में ऐसी उसका प्रोनंसिएशन ऐसा, पर बड़ा अच्छा लगता है काजोल। बंगालियों में पूछोगे तो हर दूसरी लड़की का नाम काजोल ही है। और अगर करण सर का नाम बुलाना तो बंगाली कैसे बुलाएंगे? कोरोन। आपका तो और भयंकर हो जाएगा, अर्चना। जैसे आप सब जानते हैं, करण सर ने बहुत सारे स्टार किड्स को लॉन्च किया है। सर बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि जब एक्टर्स के बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद आप डिजाइन सोचते हैं कि मैं पहुंच जाता हूं। सुबह सुबह पहुंच जाता हूं, मैं घंटी मारता हूं कि मैं आ गया हूं। तो वही ये पूछना चाहते हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद आप स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है? नहीं, पहले मैं बुक करता हूं। जब भी कोई स्टार के घर पे बच्चा पैदा होता है तो मैं मेरी जाके पहले चला जाता हूं बुकिंग करने, ताकि वो पहला हक मैं जमा सकूं। पहुंच जाता है अपना हक वसूली। बड़ी अफवाहें हैं, बोलते हैं कि ऐसे जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट माँ बाप को नहीं देते, करण सर को भेजते हैं कि ये एक बेबी होने वाला है, आप देख लो कौन सी फिल्म में आएगा। तो सर ये सिर्फ स्टार किड्स या डायरेक्टर के बच्चों के ऊपर है या ये बात टीवी जो होस्ट करते हैं उनको भी लागू होती है? हाँ बिल्कुल। बस जैसे ही बच्चे पैदा हो जाए मैं पहुंच जाता हूँ, बस इंडस्ट्री के होने चाहिए। हाँ, तो मैं तो इंडस्ट्री की हूँ तो मैं अपना बेटा भेज रही हूँ। ये सारा मैं मजाक कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू, क्योंकि ये लोग ये देख के सीरियसली ना ले लें। बहुत सारी ऐसी अफवाहें होती है, करण सर पता नहीं आप तक पहुंचती हैं काजल मैम की नहीं। आपके बारे में अफवाह सुनिए कि अजय सर सुबह सुबह जब उठते हैं तो आपके लिए पहले बैड टी बनाते हैं। ओहो, पहले मेरे लिए बैड टी बनाते हैं? हाँ जी। एक तो मैं कॉफी पीती हूँ, मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो वही, हाँ वो बोल रहे थे कि कॉफी बनाते हैं अजय सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसे नहीं है? कुछ नहीं है प्लीज। तो दर्शकों जैसा कि आपने सुना ये केवल मात्र एक अफवाह है। अच्छा सर आपके बारे में भी एक अफवाह सुनिए, कहते हैं आपके बेबीज अभी बहुत छोटे हैं पर लेकिन उनके जो डायपर है वो मनीष मल्होत्रा डिजाइन करते हैं। मनीष मल्होत्रा डायपर तो नहीं बनाता खैर, लेकिन उसके कपड़े जरूर पहने हैं मेरे बच्चों ने। अच्छा। दिवाली पे, दोनों दिवालियों पे मनीष मल्होत्रा के कपड़े उन्होंने पहने। अच्छा ये अफवाहें हैं, और पर कुछ एक जो एक दो और अफवाहें हैं वो भी मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ। कहते हैं कि आप काजल मैम के हस्बैंड जो अजय सर हैं उनको आप जीजू कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, ये अफवाह है और ये अफवाह ही रहेगा। मैं इनको के साथ जीजू मैं जीजू तो नहीं बुलाता, लेकिन मैं शायद शुरू कर लूं। मैं मैसेज कर लूंगा अजय को कि जीजा जी नमस्कार, ये आपका नया नाम है। पर सर ये तो कहीं तो इंटरव्यू में सुना है कि करण सर जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना तो 5-6-10 बड़े बड़े बैग लेके जाते हैं, और जो सबसे बड़ा बैग होता है उसमें सिर्फ अंडरवेयर होते हैं। देखिए वो अंदर की बात है, मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं इतने अंडरवेयर क्यों पहनूंगा? ये बात नहीं, अच्छा ये सही है कि जब मैं नहीं, ये क्या बोलना जरूरी है? Now you start in the sentence. क्या है, जब आउटडोर पे हम जाते थे पहले तो वो लॉन्ड्री वॉन्ड्री का क्या आएगा, तो मैं अगर 30 दिन का आउटडोर था तो मैं 30 अंडरवेयर ले जाता था। मैं धोने में मैं ज्यादा शौक नहीं रखता, मैं चाहते वो पहनो फेंको ऐसा था। तो बहुत सारे अंडरवेयर और रंग बिरंगी अंडरवेयर मुझे बड़े अच्छे लगते। रंगीन मिजाज। आप कितने अंडरवेयर पहनते हैं नॉर्मली जब आप आउटडोर जाते हैं? आप कच्चे पहनते हो कि अंडरवेयर पहले? मैंने ना सर बड़ी इसके ऊपर ना काफी रिसर्च की है। हाँ। मैंने देखा है कि
आदमी अंडरवेयर बदलते रहना चाहिए। हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छी क्या है कि अपनी पर्सनालिटी और अंडरवेयर दोनों साथ साथ जाने चाहिए। जैसे हम अपनी पर्सनालिटी को कॉन्स्टेंटली चेंज करना चाहिए टू बी विद द टाइम्स, अंडरवेयर का भी वही हाल होना चाहिए। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। अब हम करंट अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे सर, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शंस का माहौल चल रहा है। सपोज अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं है? अच्छा तो आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो कुछ एक्टर्स हैं उनको उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से मिनिस्ट्रीज देनी है, उनको डिपार्टमेंट देने हैं। आप भी आप काजोल जी की हेल्प ले सकते हैं। कौन से एक्टर को कौन सी मिनिस्ट्री जो है सूट करेगी? हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री अक्षय कुमार। वेरी नाइस। सबसे ज्यादा फिट है, उनके बॉडी में कोई केमिकल्स नहीं जाते, वो ताजा दूध घी मक्खन सब खाते हैं, बहुत अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, तो ही इज द परफेक्ट हेल्थ मिनिस्टर एक्चुअली। सोशल मीडिया मिनिस्ट्री। सोशल मीडिया मिनिस्ट्री मैंने खुद हैंडल कर लेंगे, मुझे लगता है खुद हैंडल कर लेंगे। मैं हैंडल तो कर लूंगा, लेकिन जो बहुत सॉलिड रिप्रेजेंटेटिव वो है वरुण धवन। वो बहुत उन्होंने समझ लिया है कि सोशल मीडिया का गेम कैसे प्ले करना है। वो रोज कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, बहुत एंटरटेनिंग है वो। और वो खुद करते हैं, क्योंकि उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखकर पता चल गया कि वो खुद ही करते हैं। वरुण धवन खुद करता है और खुद भुगतता है। गॉसिप मिनिस्ट्री करीना कपूर। क्या है कि उनका जो घर है ना वो एपिसेंटर है गॉसिप का। तो सुबह सुबह वो उठती हैं और क्या खबर लाए हो कि कुछ 10 कॉल जाते हैं और हर डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के पास जाते हैं। पीआर, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट, स्टाइलिस्ट, पीछे वाले, आगे वाले, बीच वाले, सब वाले से उनको खबर मिल जाता है। फिर जो उनको पता है, उनको कॉन्फर्मेशन की जरूरत है, फिर वो मुझे फोन करती है कि इज दिस ट्रू। तो फिर मैं अपने हिसाब से अगर मुझे बोलना हो तो बोल देता हूँ, वरना हम फोन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बहुत एक ऑर्गेनिक सा एक प्रोसेस होता है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन है ब्रॉडकास्टिंग का बताऊं जी, वो रणबीर कपूर। क्योंकि इन्फॉर्मेशन रणबीर कपूर है। ब्रॉडकास्ट करना हो तो आपको कोई भी अफवाह का स्प्रेड करना हो तो आप रणबीर को झूठ बोल लो कि बोलो अर्थ गोल्ड नहीं है। हाँ। 2 दिन में वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा हेडलाइन में। हाउस पार्टीज मिनिस्ट्री। मैं हाउसकीपिंग का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बहुत फ्रॉम मेन्यू टू फूड टू कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, गेस्ट लिस्ट, सब कुछ मैं बड़ा कमाल हूँ इस डिपार्टमेंट में। मुझे ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइजर बनना चाहिए थी, मैं गलती से डायरेक्टर बन गया। वेरी ट्रू आंसर। शो ऑफ मिनिस्ट्री। मैं शो ऑफ हूँ? मैंने कभी कहा है आई एम सो डाउन टू अर्थ, आई एम टॉकिंग टू यू। बड़े गिरे हुए ओके, फैशन मिनिस्ट्री। अब वो मैं ले सकता हूँ, लेकिन खैर मैं सोनम कपूर को दे दूंगा। ओके, ग्रेट। क्योंकि उन्होंने वाकई फैशन को ज्यादा फैला चुका है। अभी सारे रेड कार्पेट में रेड कार्पेट की तरह घूम रहे हैं। ओके, सो इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए और बदले में आपको ये अभी भी हमारा ये मरे हुए फूल या फल मिलेंगे। एक्चुअली हमने कभी सोचा ही नहीं ना कि क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, बदले में देंगे क्या। सो हम आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं। थैंक यू। थैंक यू। That is my reaction. Hi, I'm Raj. Hi. What, Shahrukh? नाम तो सुना होगा। हमने नहीं सुना। राहुल का नाम सुना है, राज का नहीं। सर, I'm also अपने स्कूल का स्टूडेंट ऑफ द ईयर। सर, ये है जो आपने भी गाना सुना, ये इनका भिखारी वर्जन था। कोई मिल गया था। ये क्या हुलिया बनाया हुआ तूने चंदू? कौन सा हुलिया? I am cool. हेलो करण सर। हाय सेनोरिटा। इन्हीं हरकतों की वजह से वो लोग नहीं आते हैं। तेरे को पता, तेरे आने से पहले उनकी टीम पूछ रही थी कि ये जो नजले का ब्रांड एंबेसडर है तंग तो नहीं करेगा। क्यों झूठ बोल रहे हैं? इनकी टीम तो मेरी फैन ही बहुत है। बार मेरे साथ सेल्फियां ली हैं, मेरे ऑटोग्राफ लिए हैं और मेरे को बोला है कि आपका काम बहुत पसंद है हमें। तो काम बता दो पूरा क्या कर। ये इनकी टीम के लिए चाय, जूस, नाश्ता लेके आता है। आप बिलीव नहीं करेंगे करण सर, हमारा विलन स्पेशल एपिसोड था पिछले हफ्ते, तो सब आए थे। रंजीत साहब को बाहर जाकर कहता आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा, वो कहते हाँ। तो कहता फिर जो आपको ठीक लगे, जो आपकी खुशी हो दे दो, हमारा कोई फिक्स रेट नहीं है। ये बातें करता है। कोई बात नहीं, फिर क्या, वो गेस्ट थे वो।
लेकिन आप तो थोड़े से मैनर सीखो कि दोस्त के साथ कैसे बात की जाती है. खबरदार, इतने बड़े लोगों के सामने मुझे दोस्त बोला तो. आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शादी में सिर्फ 11 रुपए शगन डाला इसने. तो आपने शादी मुझसे शगन कमाने के लिए की थी? 11 रुपए आपको याद है? आपकी शादी में जो मैं इतना नाचा हूँ, इतना समा बांधा है, इतना मैंने रौनक लगाई थी, वो नहीं याद आपको? रौनक बड़ी लगाई इसने. आपको मेरे सारे मेहमान पूछ रहे थे कि तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है जो सिर्फ पनीर ही खाता है. आप मुझे भगवान को साक्षी मान के बताओ, शादी में पनीर था? पनीर के सर VFX डाले हुए थे इन्होंने. तो आपकी इज्जत रखने के चक्कर में मैंने 150 ग्राम पनीर बाहर से ऑर्डर किया, अपनी प्लेट में डाला, फिर सेल्फी खींची, नीचे लिखा एंजॉयिंग पनीर एट कपिल्स शादी. आपको पता है पानी पूरी वाला सबको ऐसे खिला रहा था, इसको देख के कहता ये. खैर काजल मैम, आपको मेरा डांस कैसा लगा? बहुत कमाल था आपका डांस. ये डांस था? मुझे लगा तूने टाइट अंडरवियर पहन लिया. देखो कपूर शर्मा, डांस में सिर्फ स्टेप्स नहीं होते, उसमें एक्सप्रेशन भी काउंट होते हैं. हाँ बिल्कुल, मतलब भजन बना दिया आपने इसको, इतने अच्छे गाने को मतलब भजन बना के बना के कोई मिल गया, कोई मिल गया. अरे विलुप्त होने की कगार पे खड़ी प्रजाति. सच्ची ऐसे लग रहा है. एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तेरे पास एक्सप्रेशन कहाँ से आए? सर फिलिंग द ब्लैंक्स में इतने ब्लैंक नहीं होते जितना मुंह इसका ब्लैंक है. देखो आपको लगता है आपने फिर आर्नोल्ड को नहीं देखा, सेम वैसे एक्सप्रेशन है मेरे. किसके एक्सप्रेशंस? किसके? आर्नोल्ड सुभाषनगर. श्वासनगर. आर्नोल्ड श्वासनगर. मुझे भी पता है, सोच तेरा तो बेड़ा ही करके है. अगले 7 जन्म तक तूने इंग्लिश टच नहीं करनी. तो सीधा कहो ना, आप मेरी इंग्लिश से जेलस फील करते हो? इससे जेलस फील करूंगा? आप बिलीव नहीं करोगे सर. मैम ये ना हॉस्पिटल गया चेकअप करवाने, डॉक्टर ने कहा आपकी MRI होनी है, अंदर जाके भूल गया, नर्स को कहता मेरी EMI कर दो. इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, देखो आप EMI की बातें कर रहे हो, इतने हैंडसम करण सर बैठे हैं, इतनी ब्यूटीफुल काजोल जी बैठी हैं, कोई रोमांटिक बात ही कर लो आप. रोमांटिक? अजय सर का पता ना, उड़ उड़ के थप्पड़ मारेंगे तेरे को. मेरी आप बात समझ नहीं रहे. देखो मैं ना इधर अपने निजी रोमांटिक लाइफ के टिप्स लेने के लिए आया हूँ. अच्छा. हाँ तो काजल मैम वो सामने भूरी रहती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ. करण सर, मतलब जैसे बात ऐसी है कि मैं उसका राहुल हूँ और वो मेरी अंजलि है. अच्छा, तू राहुल है और भूरी अंजलि है? हाँ. तो फिर तुम दोनों की जोड़ी को मेरी श्रद्धांजलि है. ये देखो ये कौन सी कंट्री का शाहरुख खान लगता है ये. फीलिंग से शाहरुख खान हो? प्यार में फीलिंग होना बहुत जरूरी हो. क्या ये देखो, क्या जॉन्डिस वाला शाहरुख खान देखो. आप जेलस फील कर रहे हो. सर आप बताइए कि भूरी को देखकर मुझे कुछ कुछ होता है, ये प्यार नहीं? ये प्यार, प्यार ही है. कुछ कुछ होता है ये नहीं समझेगा. सर मुझे पता है इसको क्या क्या होता है. साल में 2 चीजें होती है इसको. गर्मियों में इसको गमोरियां होती है और सर्दियों में खुश्की होती है इसको. इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, गमोरियां, खुशकी, यार कोई अच्छी बात बोलो. सभी को होती है. करण सर आपको नहीं कभी सब्जी में खुशकी ऐसे नाखून से नाम लिखा कभी आपने कलाई पे? काजल मैम आपने कभी लिखा गाड़ी पे मिट्टी पड़ जाती है तो अजय लव्स काजल ऐसे लिखा? हे सोनी साहब, जिनकी गाड़ियों के टायर भी स्पा करके आते हैं, ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं उनसे. तू बड़ा स्पा, तेरे को किसने बताया क्या होता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई काजल के सामने ऐसे बन के आई अंजलि? अरे लेकिन इसमें हिम्मत की क्या बात है, वो भी बंगाली, मैं भी बंगाली डांस. कहां वो बंगाल की ब्यूटी, कहां तू यूपी की झूठी. जीजा तेरा यूपी से, दीदी तेरी पंजाब से, तू कहां से बंगाल की ब्यूटी हो गई? अरे जहां मैजिक होते वहां लॉजिक नहीं होता कप्पू. आपको पता मैम इसका जन्म भी ऐसे हुआ है. एक आदमी ना हैट में से कबूतर निकाल रहा था, उसकी जगह ये निकल आई. तुम जैसी भी हो भूरी मुझे मंजूर है. आई लव यू सो मच भूरी. तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? कपू समझाओ अपने दोस्त को. मैंने समझाया था उसको, मैंने कहा छी तो उसको प्रपोज कर रहा है. खबरदार खबरदार कपू खबरदार. दोस्ती अपनी जगह लेकिन प्यार अपनी जगह. मैं एक भी शब्द भूरी के खिलाफ नहीं सुन सकता. देख लो बना शाहरुख खान हुआ है, मुंह रजमुराज जैसा कर रहा है.
भूरी हाँ कर दो ना मुझे, आखिर कमी क्या है तुम्हारे राहुल में? अरे तुम्हारे इश्क में मुझे कोई दम नजर नहीं आ रहा। दम क्या मतलब, अब मैं दांतों से ट्रक खींच खींच के तुम्हें प्रपोज करूं? अरे दम मतलब वो चिल्लम मारती है, उसके बारे में बात करिए। बुरी माना लड़का टैलेंटेड नहीं है, शक्ल भी चलो ठीक ठाक है, कमाता तो चलो बिल्कुल ही नहीं है, दिल का तो अच्छा है ना? श्रीमान जी दिल का भी अच्छा क्यों बोला, ये भी खराब बोल देते। क्यों कष्ट कर रहे हैं इतना बेचारा? तो फिर अपना इलाज कराओ, तुम्हारा टच स्क्रीन खराब है। देखो मैं करण सर की फिल्मों का रोमांटिक शाहरुख बन रहा हूँ, तुम बाहुबली का बिलाल देव बनी जा रही हो। बिलाल देव मत बोलो बुरी, मेरा प्रपोज ही मेरा प्रद्युमन है। प्रद्युमन? हाँ हमारे होने वाले बच्चे का नाम। बिल्कुल सही नाम चुना तूने, बिल्कुल सही नाम, एसीबी प्रद्युमन। इसका बच्चा पैदा होगा, पैदा होते सोचेगा भाई कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड के लिए मान लिया कि मैं तैयार हो गई, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं संडे के संडे तुम्हारी जुए निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हारी फटी हुई एड़ियों को ईंट से रगड़ के चमका सकता हूँ। मैं तुम्हारा ब्रश और तुम मेरा टंग क्लीनर बन जाओ भूरी। भाल में गई तुम और तुम्हारा रोमांस। यार हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें क्या पता रोमांस क्या होता है, हमें तो ये पूछो कि रोमांस करते करते पुलिस का छापा पड़ जाए तो बचना कैसे है। खैर करण सर, आपने अपनी फिल्मों में शाहरुख खान सर से रोमांस करवाया है, मुझे भी दो चार टिप्स ऐसे दीजिए ताकि भूरी इंप्रेस हो जाए। अच्छा, और ये मुझसे शादी कर ले और डेढ़ दो साल में हमारे चार पांच बच्चे पैदा हो जाएं। अच्छा, डेढ़ दो साल में चार पांच? मेरी फीलिंग्स चार पांच वाली है, वो चाहे दस बारह। तो मैं ऐसे सिचुएशन दे सकता हूँ कि जिसमें तुम अपना जो रोमांस है ना जी सर चंदू जी सर दिखा पाओ। थैंक यू। क्योंकि मैं हूँ निर्देशक हूँ, लेखक हूँ जी, तो मैं सिर्फ बस वातावरण और माहौल दे सकता हूँ जी, लेकिन जो रोमांस करना है वो तुम्हें करना होगा जी सर, अभी तुम्हारे हवाले है। आपने तो ये है सिचुएशन, तुम दोनों अकेले बाग में बैठे हो, गार्डन गार्डन में बैठे, भूरी तुम्हारे करीब बैठी जी सर, अब तुम्हें देखती है, तुम्हारे पास आना चाहती है और तुम कुछ कहते हो। ठीक है, दिल की बात। गार्डन सर हमारे पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, आपको बताना है कहाँ की हैं और किसके साथ है, दिखाई जरा। ओह गॉड, दैट यू ऑन मी, आई कांट सी। तो मैं हूँ, आई कैन सी। तो मेरे पापा मेरे बहुत सारे तस्वीरें लिया करते थे, वो फोटोग्राफर भी थे, तो मैंने तब मैंने वो पिक्चर देखा था सरगम। अच्छा। और मैं वो डफली वाले जो गाना था मैं पूरी तरह पागल हो गया था उस गाने पे। तो रोज पापा ना वो पता नहीं उनको क्या लगा था कि मैं कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, कि कोई भी आ जाता था घर पे बोलते थे करण डफली वाले पे डांस करो और मेरा शुरू हो जाता था, तो उसी दौरान ये तस्वीर ली गई। आगे और भी हैं, दिखाइए। ये कभी खुशी कभी गम का सीन था, इस सीन में शाहरुख और जया जी 10 साल बाद मिल रहे थे एक मॉल में जी, तो काजल का अपना ट्रैक चल रहा था साइड में और ये करीना का ट्रैक था। करीना ने इस पॉइंट तक कोई इमोशनल सीन फिल्म में किया नहीं था, उसने पू का किरदार निभाया था, तो शी वाज गेटिंग वेरी कैरिड अवे कि आज मेरा इमोशनल सीन है, आज मेरा इमोशनल सीन है। ऐसे ज्यादा मत करना क्योंकि यू नो इमोशंस का ये मतलब नहीं, बस सहारा देना है। तो मैं दिखा रहा था कि किस तरह अपने बॉयफ्रेंड का सहारा बनना है, तो सहारा तय। लेकिन करीना ने सोचा कि मैं इतनी बड़ी कास्ट है, कभी खुशी कभी गम, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जया बच्चन, काजोल, ऋतिक रोशन, कि मैं सिर्फ कॉमेडियन का पार्ट कर रहा हूँ, मुझे भी कोई एक्टिंग दिखानी होगी। तो पूरा हमने सर पर बोला कि ऋतिक टर्न करेंगे, जया जी और शाहरुख को देखेंगे, तुम बस अपना हाथ रख देना, एक सहारा बनना, थोड़े अब तुम्हारे आंखों में हल्के से आंसू होने चाहिए, तो आई एम देयर विथ यू, ये है शॉट। तो हो गया एक्शन रेडी, ये सर अरे शॉट इमोशन का ऋतिक का इमोशन है, करीना का ज्यादा इमोशन नहीं था। तो स्टार्ट साउंड कैमरा, और जब मैंने एक्शन कहा तो करीना तो अभी ऋतिक वहां खड़ा है और बड़ा हल्का सा इमोशन से दिखाया, तो वो देख रहा था करीना को, वो रो रही है, फूट फूट के आंसू निकल आए,
तो मैं कट भी नहीं बोल पाया क्योंकि एक्ट्रेस इतनी रो रही थी. मैंने सोचा कि मैं इनसेंसिटिव ना हो जाऊं. तो कुछ जब मैं मुझसे सहा नहीं गया कुछ 10 या 20 सेकंड बाद मैंने बोला कट कट. और वो तभी आई वाज लाइक तुम क्यों इतना रो रही हो. ना वो तुम्हारे पिता है ना वो तुम्हारा भाई है. वो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं बेटा उनका. ये अपने माता पिता को देख रहा अपने भाई को देख रहा तुम क्यों रो रही हो. शी सेड बट आई आल्सो हैव टू शो दैट आई एम एन एक्ट्रेस. आई सेड तुम घर पे जा. अच्छा ये करीना का एक और कमाल था. करीना वो करीना इतने अपने अपने ख्यालों में घूमती कि एक फ्यूनरल सीक्वेंस था. आई डोंट नो आप लोगों ने कभी खुशी कभी गम अगर देखी हो तो एक सीक्वेंस है ऋतिक और अमित जी चिता दे रहे हैं. शाहरुख का हाथ आता है और तीन देखते हैं और पीछे लेडीज जो खड़े थे जय जी काजल और करीना. करीना तीनों को बस आंखों में आंसू रखना था क्योंकि चिता का सीक्वेंस था फ्यूनरल का सीक्वेंस था. पैकअप हो गया शूटिंग हो गई पैकअप हो गया सब कुछ घर जा रहे हैं. वो आके मेरे बाय द वे हु डाइड. So I looked at her and I said, by the way, who died? Meaning, तुम तो रो रही थी. She think, I thought funeral तो रोना पड़ेगा. Who died? उसको पता भी नहीं था स्क्रिप्ट में. तो I said, ये अमित जी की जो माँ है वो मरी है फिल्म में. अमित जी's mother, I think I did too much crying there. कुछ है तो ये करीना का बैक है वहाँ. वो करीना है और मैं दिखा रहा हूँ जो सटल एक्टिंग क्या करनी है और उसकी परफॉर्मेंस आप देख रहे उस टेक में. जी ये जो था ये जैसे मैं देख रहा था मैं कद्दू लग रहा हूँ यहाँ और ऐसा लग रहा है कि यू नो मैं बाथरूम कुछ एक हफ्ते तक नहीं गया. वो एक्सप्रेशन है कुछ कॉन्स्टिपेटेड वाला. ये शाहरुख खान ने तय कर लिया था माय नेम इज खान के दौरान. हम शूट कर रहे थे लॉस एंजलिस में. ये नहीं ये सैन फ्रांसिस्को में था और उसने कहा कि मैं तुम्हें फिट बनाऊंगा. मैं तुम्हें बस बहुत बहुत हो गया तुम्हारा. तुम बिल्कुल जिम नहीं जाते. मैं तुम्हारा ट्रेनर बनता हूँ. तो दो दिन उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की. तीन दिन मैं उठ ही नहीं पाया बिस्तर से. तो मैं कहूँगा शाहरुख खान बहुत अमेजिंग है बहुत फिट है लेकिन उनको ट्रेनर मत लेना कभी क्योंकि मैं बस लेट ही आया था. ओके वन मोर बॉय यार. ये तो कितने सारे बच्चे करें सर आप कहाँ हो इसमें. अभी ये अगर आप देख रहे हो सही क्या है ये फैंसी ड्रेस पार्टी थी. अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन जो थे तो मार्च 17 को हर साल इंडस्ट्री के सारे बच्चे जो थे वो आ जाते थे बर्थडे पार्टी पे. तो ये खैर सही वाला बर्थडे का इमेज आप ले आए हैं जहाँ ये थीम पार्टी था सुपरमैन का. तो मगनलाल जो होते थे मगनलाल ड्रेस वाले हम सब एक्चुअली बनाते थे सुपरमैन. बड़े बड़े लाल चड्डी पहन के हमें सुपरमैन का कॉस्ट्यूम दिया जाता था और हमें भेजा जाता था. एक साल क्या हुआ मेरी माँ को गलत फहमी थी कि ये भी सुपरमैन थीम का पार्टी है. ऐसी कोई थीम नहीं थी उस साल लेकिन मैं सुपरमैन बन के गया था. तो वो तस्वीर सिर्फ अभिषेक बच्चन के पास है कि सब नॉर्मल क्लोथ्स में है और मैं मोटा सा सुपरमैन खड़ा था. और मगनलाल जी थे उन्होंने कुछ ज्यादा लाल फैब्रिक था उनके पास तो ज्यादा बड़ी चड्डी दे दी थी उन्होंने मुझे. तो चड्डी कुछ कच्चे का भी कोई जो बड़ा भाई होता है ना वो पहन के मैं पहुंच गया था उस पार्टी में. कल मैम अभी ना वरुण और आलिया आए थे. मैं पहले बताता हूँ आपको कि वो क्या बोला था उन्होंने आपके बारे में फिर मैं पूछता हूँ. जी एक बात पूछने जाता था मैं कि जैसे आप दोनों की फिल्मी जोड़ी तो करण सर ने बनाई है. हाँ जी. रियल लाइफ जोड़ी जब बनेगी उसमें भी करण सर चौधरी बनेंगे क्या अपनी मर्जी से. तो कुछ है प्लानिंग. एक्चुअली ये करण सर की जोड़ी भी जब शुरुआत हुई थी वो लग बाय चांस हुआ था. जी. तो हमारी जो पर्सनल लाइफ की भी जोड़ी है करण कोशिश करता है जोड़ियां बनाने की. लाइक्स टू सी पीपल फॉलिंग इन लव एंड बीइंग टुगेदर. बड़ी खुशी होती है उनको. खुशी होती है और फिर वो तीसरा बंदा भी वही डाल देते हैं. से तीसरा बंदा भी डाल देते हैं. देखिए मेरी हर पिक्चर में ट्रायंगल तो होती है. जी. सबसे बिगनिंग में ट्रायंगल कुछ कुछ होता है. मैं ट्रायंगल है कलो ना मैं ट्रायंगल है कभी अलविदा में तो क्वाड्रायंगल है. तो मैं दो लोगों से खुश नहीं होता. क्या है कि कोई दाल बिना मसाले की तो अच्छी लगती नहीं. बिल्कुल. दाल ही खिलाते रहो दुनिया को तो क्या फायदा. थोड़ा मसाला तो डालना जरूरी होता है ना उसमें. नॉर्मली कहा जाता है ना कि जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है. जोड़ियां बनाने में ये इतने माहिर हैं काजल मैम. जी बिल्कुल. आप काजल मैम की हेल्प ले सकते हैं. लेकिन हम आपको कुछ मेंबर्स देंगे यहाँ पे आपने उनकी जोड़ी बनानी है. आइए आइए फटाफट आ जाइए. तो महिलाएं एक तरफ आ जाए और पुरुष जो है वो एक तरफ आ जाए. तो आपको देखना है कौन किसके साथ सूट करता है और आपको उसकी जोड़ी बनानी है. अच्छा, आपकी जोड़ी तो बन गई है तो आपका तो फिट हो गया. हाँ, मेरा तो हो गया काम. अगले साल मैं तीसरा भी ले आ सकता हूँ.
मैं थोड़ा जांच पड़ताल करता हूँ। काजल, would you like to add contribute to this? Yes, I would like to contribute to this. तुम लड़कियों के नाम पूछ रहे हो, मैं लड़कों का नाम पूछता हूँ। Okay. हाँ. What is your name? हुसैन. ये हुसैन. आपका? My name is Parigaur. राज. Okay. One second. हुसैन and what is her name? What is your name? Parigaur. Parigaur. Yeah. Parigaur and इनका नाम राज है और उनका? अवनी. अवनी. और आपका? शुभम. शुभम. शुभांगी. शुभांगी. तो दिस तो इज डेफिनेट. शुभम एंड शुभांगी. शुभम एंड शुभांगी आर डेफिनेट. अरुण. अरुण. सोनाली. सोनाली. आई एम अखिल. अखिल. अखिल एंड स्नेहा. अखिल एंड स्नेहा. तो पहले हम इनसे शुरू करते हैं. हुसैन है, हाइट क्या होगी तुम्हारी? 5'11". क्या करते हो तुम? बिजनेस है. बिजनेस है. कोई क्रिएटिव आर्ट में क्या कोई करता है यहाँ? I am a makeup artist. Makeup artist. So business का makeup का अच्छा हो सकता है क्योंकि क्या है कि opposite should attract. अच्छा. तो इसलिए मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी बदी अच्छी होगी. वहाँ जाइए. आपका नाम क्या है? राज. राज है. राज. बड़े शाहरुख खान लग रहे हैं आप. बस बस ही सिंह बस बस शाहरुख खान ही लग रहे हैं और कुछ नहीं लग रहे. राज क्या करते हैं आप? राज इवेंट प्लानर्स. इवेंट कौन सा इवेंट प्लान किया आपने? सर क्लब पार्टीज. क्लब पार्टीज. अच्छा ठीक है. क्लब पार्टीज. हु इज अ पार्टी गर्ल हियर? आप चारों में से पार्टी सबसे ज्यादा कौन? हाँ इनको बड़ा अच्छा लग गया राज. चलिए आइए चलिए. ये शिल्पा शेट्टी आई है. मैं खिलाड़ी तो नाड़ी से आपके साथ पार्टी करने. चलिए ये हो गया. आपका नाम क्या है पीले चश्मों में? शुभम. शुभम. वाह क्या करते हैं आप शुभम? सर मैं स्टडी करता हूँ, इंजीनियरिंग करता हूँ. आप स्टडी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है. इन पीले चश्मों में स्टडी करते हैं या रेगुलर चश्मे ला के? नहीं मैम सर, चेंज करते रहते हैं कभी वो कभी. लड़कियां या स्टडीज? बोथ है. दोनों. दोनों. इनकी फितरत मुझे कुछ कलरफुल लगी. तो यहाँ इनमें से कौन चाहता कि एक नॉटी बॉय से आप इश्क लड़ाएं? हाँ कौन, कौन बोलेगा. सारे भाई स्वीट लग रहे हैं. आप क्या करती हैं? आई एम एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. एडवर्टाइजिंग एजेंसी या इंजीनियरिंग है? चलो मैं देखता हूँ. आप क्या करती हैं? इंजीनियर. सॉफ्टवेयर. एक इंजीनियर और वो जो पढ़ाई है. मैं आपको आई थिंक मेरा ध्यान आपकी तरफ जा रहा है. आप क्या करती हैं? कोरियोग्राफर. आप कोरियोग्राफर हैं. चलिए आप आइए. देखिए ये स्टडी कीजिए इनका अच्छी तरह. इनको स्टडी कीजिए आप. हेलो. इनके टी शर्ट पे लिखा है फाइंड योर सेल्फ. जो खुद लॉस्ट है उनके लिए क्या फाइंड करना है? क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? अरुण. इवेंट प्लानिंग. आपकी शादी होने के चांसेस हैं क्या? वो भी बड़ी इवेंट होगी. हो जाएगी सर. हो जाएगी. नेक्स्ट ईयर है. नेक्स्ट ईयर है. मम्मी पापा चाहते हैं. अच्छा है कि इवेंट प्लान करते हैं. अच्छा आपने क्या क्या आप क्या करती हैं? एडवर्टाइजिंग. वेरी गुड. एडवर्टाइजिंग और इवेंट का तो बनता है. ये एडवर्टाइजिंग है. ये सचमुच अभी ये जोड़ी तो बन चुकी है. आप आ जाइए. आप जो भी है कर लीजिए. बना दी मैंने आपकी जोड़ियाँ. सो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो लड़के लड़कियां हैं ये असल में आपस में कपल थे, पर हमें नहीं पता था कि कौन सा कपल किसके साथ है. अभी करण सर की बनाई हुई जोड़ियां हैं, लेकिन जो आपकी अपनी बनाई हुई कौन कौन है, कौन कौन किसके साथ है बताएंगे आप इन्हीं के साथ है. वाह क्या बात है. आप आगे आइए. बाकी जोड़ी है आपकी. क्या बात. पहली जोड़ी आपने भूनी सही करवाई. वाह. दूसरे आप दोनों का भी सही निकला. वाओ यार. आइए आइए आप भी आइए. I'm very impressed करण. I know. Very impressed. ये वाकई मेरा प्रोफेशन होना चाहिए. एक और काम शुरू कर सकता हूँ. करण मैरिज ब्यूरो. वाओ. बाकी जोड़ी तीसरी. हाँ तीसरी. आप आपका मैच खराब हो गया. आइए चलो एक आध फिल्म ऐसी भी हो जाती है. आइए बाकी दो. आपकी आपकी सही बनी थी जोड़ी. नहीं सर मेरी एक्चुअली खुश था मैं इनके साथ वैसे तो. पर आपकी वाली कौन है? अच्छा आपकी ओरिजिनल यही है. हाँ. अच्छा और आपकी ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल मेरी यहाँ पर. अच्छा जी. अच्छा. तो आपकी कहाँ गई? मेरा तो उधर है. अच्छा. और मेरा शादी भी हो चुका है, अभी तलाक होने वाली है. आपका उधर है तो जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो. चलो चलो यार. फिर भी आप मतलब बिना जाने समझे आपने दो जोड़ियां ओरिजिनल निकाल दी. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक योर सीट. थैंक यू. जोरदार तालियां करण सर और काजल जी के लिए. आपने इतने खूबसूरत लोगों को इतने खूबसूरत गिफ्ट दिए. हम आज आपको मौका देते हैं कुछ कमाने का. हम लोग एक खेल खेलेंगे. के भैल करोड़पति. क्या? के भैल करोड़पति. कौन बनेगा करोड़पति का भोजपुरी वर्जन. अच्छा. के भैल करोड़पति. हाँ तो एक बार फटाफट लेके आइए.
नमस्कार 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 दिव्य और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस खेला में जिसका नाम है के भायल करोड़पति। आज जो हमारे मेहमान हैं जी, इनके बारे में हम क्या कहें। हमारे साथ हैं कॉफी वाले करण, जो हर काम में निपुण है, चाहे वो प्रोड्यूसिंग हो, डायरेक्टिंग हो, होस्टिंग हो या डांसिंग ही क्यों ना हो, हम देखे सर आपको डांसिंग भी कमाल का करते हैं आप। और उनके साथ हैं हो आई डोंट हैव शब्द यार, हाउ टू से इट, आई डोंट हैव शब्द बट आई विल से, आई विल ट्राई। तो हमारे साथ हैं चोटी की कसम, चोटी की कसम, द वेरी ब्यूटिफुल हैशटैग ब्यूटिफुल हैशटैग एडोरेबल हैशटैग गॉर्जियस अरे वाह हैशटैग स्पंकी हैशटैग चार्मिंग हैशटैग प्रीटी हैशटैग एलियोरिंग हैशटैग लवली। ए एकाद हैशटैग मेरे लिए भी रखना ना। आप रुक के थोड़ा हैशटैग आपके मुंह पे मारेंगे। नाम तो ले लें तो हमारे साथ है काजोल जी, जोरदार तालियां। इनको भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी तो कर देते हैं। यह है हमारी एक्सपर्ट सपना, हैशटैग वाहियात, हैशटैग जंगली, हैशटैग अगली, हैशटैग महाअगली। ए बकवास बंद कर, अब तेरे बारे में बोलूं मैं, हैशटैग गोंडा का है ना कोंडा, हैशटैग चाइनीज पांडा, हैशटैग खट्टी डकार, हैशटैग शट अप यार। Savage. तेरे को मालूम है नाला सुपारा में मेरे को लोग लेडी गागा बोलते सर। लेडी गागा नहीं, लेडी ज्यादा बोलते हो। कभी देखिए इतनी ज्यादा लेडी आपने, क्षेत्रफल देखिए इनका, 1000 किलो की लेडी गागा। सामूहिक बिरयानी के पतीले। गेस्ट लोग आए, मेरे को उनसे बात करने दे। कैसे काजोल मैम? अच्छा काजोल मैम, मैंने सुना है कि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अजय सर के सारे पैसे खर्च देते हैं। काश होता ऐसा। नहीं नहीं ऐसा होता है, अजय सर खुद ही बोलते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। सच्ची में करण सर, मेरे को ना आपकी सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली अभी आई थी ना वो कड़क, उसमें वो ईशान खट्टर ने बहुत अच्छा काम किया था। धड़क 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 थी। नहीं पिक्चर तो कड़क थी ना, वही बोल रही हूँ, पिक्चर कड़क थी। आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहेंगे, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। किस बात का घमंड है इस औरत को, आई डोंट नो यार। एनीवेज खेला शुरू करते हैं सर, महत्वपूर्ण बात सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लें कि इस खेला के नियम क्या है। हेलो हेलो, हाँ तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वैसी की ऐसी, चल तेरी फिर जैसी की जैसी। मेहंदी लगा के रखना, टोली सजा के रखना, करण जौहर तुम्हें कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। करण साहब मैं आपका बड़ा फैन हूँ। हेलो नमस्कार। कसम से इतनी लोगों की ट्वीट से कंट्रोवर्सी नहीं होती जितनी लोगों को कॉफी पिला के करते हैं। काजल जी छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। बड़ा मजा आया आप दोनों को देख के। अरे क्या आप आए हैं, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, कुछ लेकर आते इनके लिए? खाली आता गए यार। तेरे लिए लेकर आया हूं मैं। क्या? ये दे, इसको पहन, शराब पी और उजाड़ दे गांव। ओए सूंड मारता है। काजल जी यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मैं राजेश रोड़ा पाड़गंज से, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। आप बोलो ताज, ताज। तू मेरी सिमरन, मैं तेरा राज। आपको एक राज की बात बताऊं? बताओ बताओ। राज की शादी हो गई है। वैसे आपकी एक फिल्म आई थी ना गुप्त जी, वो अब गुप्त नहीं रही, मैंने देख ली। अंकल
जी मेरे को पूछने का था आ, आपके घर पे वो बिजली का मीटर है क्या? हाँ है। तो उसमें कभी हाथ डालो ना इसे, झटका लगने से शायद आप ठीक हो जाओ। काजल जी लुक एट हर थोबड़ा, डजंट शी लुक लाइक मदन चोपड़ा। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। सबसे पहले खेला के नियम आपको बता दें। आप हैंडसम होने चाहिए, चॉकलेटी होने चाहिए, आपको रोमांस की नॉलेज होनी चाहिए, प्यार करना आता हो और आप स्टूडेंट हो। ये कहाँ के नियम है? ये धर्मा प्रोडक्शन के नियम है। हेलो। हाँ टाइगर श्रॉफ। हाँ उधर जरा वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर से ना दो चिल्ड बियर मार के आना जरा इधर। हाँ इधर किसी को धोने का है अपने को। हेलो। एक मोन जोदाड़ो के टाइम की चुड़ैल अपनी माँ से बिछड़ गई है। जिसकी हो आके ले जाए, मुझे तेरा चेहरा बिल्कुल नहीं पसंद आया। आ तू। आप दोनों के लिए ना हमारी तरफ से एक प्यार भरा सेट अप। वाह। तो लीजिए धर्मा प्रोडक्शन का नाम लेकर हम खेला शुरू करते हैं। समहाउ लेट्स स्टार्ट नाउ। तो ये लीजिए सबसे पहले मसाला पापड़ के लिए ये रहा पहला प्रश्न। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे काजोल जी आपकी फिल्म का डायलॉग था कुछ कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे। सवाल है कि राहुल क्यों नहीं समझेगा? चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए राहुल को हिंदी नहीं आती थी इसलिए नहीं समझेगा। ऑप्शन बी राहुल ने शराब पी रखी है नशे में है इसलिए नहीं समझेगा। ऑप्शन सी राहुल भुन्ना है सब समझ रहा है लेकिन बता नहीं रहा। ऑप्शन डी राहुल समझ समझ कर थक गया है अब और कुछ समझना नहीं चाहता। इनफ। मुझे लगता है राहुल गंजेड़ी है, सस्ता नशा करता है, भांग वाला पराठा खाता है। Am I right? It's actually combination है A C and D का। हो सकता है, हो सकता है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। कक सिमरन सिमरन होता है, कक सिमरन होता है, चुप जा जाड़े। या ऐसे डायलॉग बोल के बहुत लड़का बनने की कोशिश कर रहे हैं ना आप। लड़का किधर से है ये? लड़के 20 साल के होते हैं, मैं 50 का हूँ तो मैं टोटल 2.5 लड़का हूँ। आप मेरी 2 बार भी शादी कर दो तब भी मैं इतना सा कुंवारा बच जाऊंगा। करण जी आपके एक फिल्म में कांचा चीना थे ना, उनसे कहकर जरा इनका मांडवा तोड़वा दीजिए ना। अगर मेरा किसी ने मांडवा तोड़ा उससे पहले मैं तेरा सांडवा तोड़ दूंगा। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। कक सिमरन सिमरन होता है, कक सिमरन होता है, चुप जा जाड़े। या ऐसे डायलॉग बोल के बहुत लड़का बनने की कोशिश कर रहे हैं ना आप। लड़का किधर से है ये? लड़के 20 साल के होते हैं, मैं 50 का हूँ तो मैं टोटल 2.5 लड़का हूँ। आप मेरी 2 बार भी शादी कर दो तब भी मैं इतना सा कुंवारा बच जाऊंगा। करण जी आपके एक फिल्म में कांचा चीना थे ना, उनसे कहकर जरा इनका मांडवा तोड़वा दीजिए ना। अगर मेरा किसी ने मांडवा तोड़ा उससे पहले मैं तेरा सांडवा तोड़ दूंगा। तो लीजिए आपने जवाब दिया डी डी। लेट मी चेक। सही जवाब। माय गॉड यार आप जीत गए हमारी तरफ से मसाला पापड़। लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पापड़ में भी हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास कच्चा पापड़ भी है, पक्का पापड़ भी है। अच्छा। तो इसके लिए आपको 10 बार एक बार लगातार बोलना होगा कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तभी आप ये पापड़ जीत पाएंगे। आई विल डू दिस। डू इट। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 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 कच्चा पापड़। अद्भुत अद्भुत कमाल कर दिया है आपने यार पापड़। कांग्रेचुलेशन। आई डोंट नीड कार्ब्स। जा आप इसको नाराज मत करना कभी भी। ये गुस्से हो जाता है ना अपनी धोती में हवा भर के टेक ऑफ हो जाता है।
अरे उस दिन ना टेक ऑफ होके ना उधर जू बीच पे चला गया करण सर, हाँ। तो शार्क मछली बाहर आई, कहती है बहन तू पानी के बाहर कैसे सांस ले रही। चलिए आम पापड़ के लिए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपका सवाल है सिमरन में कौन सा सिम है। आपके ऑप्शंस हैं ए सिम्बा वाला सिम, ऑप्शन बी खुल जा सिम सिम वाला सिम, ऑप्शन सी सिंप्लिसिटी वाला सिम, या फिर डी सिंपथी वाला सिम। सिंपल वाला ऑप्शन मैं दूंगा सी, सिंप्लिसिटी वाला सी। ओके नो, आप फिर जीत गए। माय गॉड यार, नहीं, व्हाई डिड यू विन? ये कैसे कर लेते हैं आप? अरे बस बस अभी क्या बोले, हम बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। ये लीजिए तो आप जीतते हैं आम पापड़। ए आयरनी कार्ड। चलिए खेला आगे बढ़ाते हैं हम। तो काजोल जी, अनारदाना गोली के लिए अगला सवाल, अनारदाना गोली के लिए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक बहुत ही फेमस डायलॉग, मोगैम्बो खुश हुआ। हम जानना चाहेंगे कि ये मोगैम्बो खुश क्यों हुआ। आपके ऑप्शन है ए उसकी बीवी मायके चली गई है इसलिए मोगैम्बो खुश, ऑप्शन बी अकाउंट में उसकी सैलरी आ गई है इसलिए मोगैम्बो खुश हुआ, ऑप्शन सी डीडीएलजे में काजोल जी के फादर का उन्हें रोल मिल गया इसलिए मोगैम्बो खुश हुआ, या ऑप्शन डी उसका फोन नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक हो गया इसलिए मोगैम्बो खुश हुआ। मैं जानता हूं इसका जवाब, सी। सी हम चेक कर ये तो एकदम सही जवाब है यार। गलत जवाब। मेरे को पता है मोगैम्बो कुछ क्यों हुआ था। क्यों हुआ? अर्चना जी ने उसकी नाभि पे ऐसे ऐसे किया था। बिल्कुल ये पार्ट टाइम गुदगुदी करने का भी काम करती है। एक मिनट रुकिए, आप अनारदाना गोली जीते हैं। हाँ, ये मैं खा सकता हूँ। देयर यू गो, अनारदाना गोली फॉर यू सर। थैंक यू, ये मैं रख सकता। अच्छा, ये खा सकते हो। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है दो साबुन की टिक्की के लिए, कपड़े धोने वाली जो टिक्की होती है बहुत काम आती है सर। हाँ। उससे आप कपड़े भी धो सकते हैं। हाँ। या फिर अगर कोई आदमी आपको अच्छा नहीं लगता आप उसे मार के भी धो सकते हैं। मैं तेरे सूंड मारनी है। तो लीजिए ये रहा दो साबुन की टिक्कियों के लिए आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कभी खुशी कभी डैश में डैश क्या है? अच्छा। आपके ऑप्शन है ए कभी खुशी कभी एसिडिटी, ऑप्शन बी कभी खुशी कभी वैसिडिटी, ऑप्शन सी कभी खुशी कभी कैसी डिटी, या ऑप्शन डी कभी खुशी कभी ऐसी की तैसी डिटी। लड़ना बहुत जरूरी है, इस बात का जवाब मैं दे सकता हूँ। ऑप्शन डी है ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी डी। वाह वाह वाह, सही जवाब। बहुत खूब, कमाल का खेल है आप। तो ले लीजिए, आप जीतते हैं एक टिक्की, दूसरी टिक्की साथ में करते हैं टिक्की टिक्की। अब बताइए, हमारी आवाम यह भी जानना चाहती है कि आप इन टिक्कियों का क्या करेंगे? क्या करेंगे? घिसूंगा। अब क्या घिसूंगा ये बोलने की जरूरत है? आप किसी व्यक्ति को धोना चाहें आप उसे भी धो सकते हैं। नहीं नहीं, ये मैं वेस्ट नहीं करना चाहूंगा इन पे। ठीक है, तो यू आर द लकी मैन, कीप इट विथ यू, कांग्रेचुलेशन। क्या आप ये आप धोना चाहते हैं तो मैं आपको मेरी टिक्की दे देती हूं। हां, वेरी स्वीट ऑफ यू यार। ये काम हमारी बीवी हमें काफी देती है, हमें करना पड़ता है। चलिए रख लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। तो सर हम एक बार उतर जाते हैं तो चढ़ नहीं पाते वापस। चला बैठ। थैंक यू।
अगला सवाल एक जोड़ी लॉलीपॉप के लिए ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो कभी आप तैयार होके किसी फंक्शन के लिए अवार्ड फंक्शन के लिए तैयार होके ब्रांडेड कपड़े पहन के घर से निकलते हैं, अचानक से कपड़ों के अंदर चींटियां घुस जाती हैं। सेंसेशन होता है, आपको खुजली करनी है, लेकिन आप एक बहुत बड़े फंक्शन में गए हुए हैं, तो ऐसे कैसे आप खुजली करेंगे? इसके भी चार ऑप्शन हम आपको देंगे, लेकिन दैट विल बी अ विजुअल ऑप्शन। सपना, कैन यू हेल्प अस प्लीज? या श्योर। ऑप्शन ए, अभी पार्टी में कैसे रहते हैं, मतलब लोग रहते हैं तो आप रिएक्शन नहीं दे सकते, अब चींटी काट रही है। ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, दूसरे लोग का कह जो इसके जैसे रोक रहे थे, जैसे चींटी काट, एक तो इसके जैसे लोग रहते, और तीसरे रहते बिल्कुल अर्चना जी के जैसे एकदम सोफिस्टिकेटेड। ये क्या कोने में जाकर ऐसा मारते और छोड़ना नहीं है, चींटी को पकड़ते, ये लिया। ऐसे रहते हैं। अगर चींटी ने पार्टी में काट लिया तो क्या करूंगा मैं, या क्या करेंगी काजल जी? फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग काटते हैं, काटने दो। बहुत अच्छा जवाब। हम किसी के काटने से नहीं कटते, वो चींटी हो या इंसान। अफसोस, अफसोस टू योर सेल्फ। Shut up your अफसोस। ठीक है, आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो आपका जवाब सही है। ले लीजिए। ये मैं अपने बच्चों को दूंगा। चलिए, बड़ा मजा आया यार। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद आया, मैं ये गेम रही रद्द करता हूँ। आतू। और काजल जी, मेरी बेस्ट हीरोइन, आपको मेरी तरफ से लाइफ टाइम बैड हीरोइन, लाइफ टाइम ब्यूटीफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस, सारे अवार्ड आपको देता हूँ। वेरी गुड। और आपको मिलता है मेरे साथ कहीं भी कभी भी जाने का मौका। लेकिन हम खेला को इस तरह रद्द नहीं कर सकते, एक सेल्फी तो बनती है। हाँ, खेला के एंड करने से पहले आ जाइए, चलिए लाइक। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कमाल का खेले आप भी मैडम, कमाल का खेली हैं। ये लो, ये लाइए, ले लो, ले लो, ले लो। इसका केले का मुंह आएगा और किसी का आएगा ही नहीं। ये लीजिए, इस्माइल। आप यहाँ पर आए, थैंक यू, हम धन्य हो गए। और हम भी बहुत खुश हैं कि हम यहाँ शो पे आए हैं, लगातार हर सीजन पे आते रहते हैं। आपका शो सुपर हिट है और सुपर से भी ऊपर हिट रहे, ब्लॉकबस्टर रहे, यही हमारी दुआ है, हमारी इच्छा है। थैंक यू करण सर, थैंक यू काजल मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।